हेलो, वेलकम टू माई चैनल। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किस तरह से हम रशिया जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं कि हम वहाँ जाके मतलब कितने फ़ी पे हम पैसे निकाल पाएंगे, या फिर कोई ट्रांसफ़र करने का तरीका है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, तो चले आगे देखते हैं। तो पहली बात कि अगर आप वहाँ पर ATM कार्ड से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड जो इंटरनेशनली डेबिट करने के लिए अलाउ हो। तो आप ये कार्ड रखेंगे चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड हो। और जैसे कि मैं तो SBI कार्ड यूज़ करता हूँ, आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि वैसे बैंक का करें जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिनके अच्छे हों। आप सपोज़ आप SBI से करते हैं तो उसमें पर ट्रांजेक्शन कुछ उनके चार्जेस 118 रुपीज़ प्लस जो है कुछ और चार्जेस हैं 200 के, और जो भी एक्सचेंज रेट हो तकरीबन जो है 400 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं एक बार के ट्रांजेक्शन। तो ये तो हो गई विड्रॉ करने की बात ATM कार्ड से। अब जब आपका वहाँ बैंक अकाउंट खुल जाएगा, जब आप वहाँ एडमिट हो जाएंगे, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में, तो आप बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि जैसे मैं आपको तीन ऑप्शन दिखा रहा हूँ, इसमें सेबर बैंक है, VTB और थिंकऑफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे अच्छा सेबर बैंक में अकाउंट खोलें क्योंकि उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप इसमें अकाउंट खोल लेंगे। उसके बाद यह है कि जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो अब आप जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन बहुत ही आसानी से। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जाके ATM कार्ड से निकालिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दें। तो इसके लिए मैंने दो वेबसाइट्स खुद सर्च की, बहुत सारा इस पर रिसर्च किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसफ़र वाइज मिला था, फिर स्क्रिल। लेकिन मैं सबसे पहले आपको स्क्रिल सजेस्ट करता हूँ। स्क्रिल में यह है कि आप इस पर अकाउंट बनाइए और यहाँ से जो है आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं INR टू रूबल्स। इनके एक्सचेंज रेट गूगल पे जो आपको दिखते हैं उससे थोड़े कम होते हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी फी। सेकेंडली, आपके पास जो है ये ट्रांसफ़र वाइज है। इसमें क्या है कि आप INR से तो ट्रांसफ़र अभी करना अलाउ नहीं है, लेकिन आप USD से कन्वर्ट करके कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको गूगल का रेट मिलता है, बिल्कुल उससे अच्छा ही रेट मिलता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम पे मेरा रेफरल यूज़ करते हैं तो आपको विदाउट एनी फी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाद में आपको जो है इस पर कुछ फ़ी लगती है इनकी, जो आप ट्रांसफर वाइज पे जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इन दोनों वेबसाइट्स की जो है लिंक और रेफरल्स जो है मैंने प्रोवाइड की है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से विड्रॉ से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं। अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।